आज हम टाइप्स ऑपरेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑपरेशन में सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर ऑपरेशन। तो प्रॉपर ऑपरेशन क्या है? फ्रैक्शन से टू बी प्रॉपर ऑपरेशन इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एक ऑपरेशन को हम तब प्रॉपर ऑपरेशन कहेंगे जब उसका न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2/3, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इस तरह ऑपरेशन को फिर हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, प्रॉपर ऑपरेशन है। या इस तरह 156/309, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर ऑपरेशन है, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। और प्रॉपर ऑपरेशन में ख़ास बात यह है कि ये हमेशा लेस देन होगा 1। जितने भी प्रॉपर ऑपरेशन है वो हो 1 से लेस होंगे, तो ये हमारे पास है प्रॉपर ऑपरेशन। इस तरह 3/9, ये हमारे पास प्रॉपर ऑपरेशन है। 17/25, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर ऑपरेशन है। इस तरह हमारे पास है इम्प्रॉपर ऑपरेशन। इम्प्रॉपर ऑपरेशन हमारे पास वो ऑपरेशन जो जिसका न्यूमरेटर इक्वल हो डिनोमिनेटर के, या न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऑपरेशन इज से टू बी इम्प्रॉपर ऑपरेशन इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर आर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इन वो ऑपरेशन जिसमें न्यूमरेटर बराबर हो डिनोमिनेटर के या न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर ऑपरेशन। मिसाल के तौर पर 5/3, ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर ऑपरेशन है, क्योंकि ये हमारे पास न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इस तरह ऑपरेशन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर ऑपरेशन। यह हमारे पास 3/3, ये हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर ऑपरेशन है, क्योंकि हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है सिवाय 0 के। तो हमारे पास फिर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर ऑपरेशन है। इस तरह 7/7, ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर ऑपरेशन है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो या कोई कहे 1, हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, ये हमारे पास है इम्प्रॉपर ऑपरेशन, क्योंकि 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/1। तो वो ऑपरेशन जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर हो या न्यूमरेटर इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो इस तरह ऑपरेशन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर ऑपरेशन। इस तरह एक और ऑपरेशन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कंपाउंड ऑपरेशन या मिक्स ऑपरेशन। कंपाउंड ऑपरेशन जिसको हम दूसरा नाम देते हैं मिक्स ऑपरेशन। कंपाउंड ऑपरेशन क्या है, लाजमन है कि इसमें दो ऑपरेशन होंगे, इसके नाम से पता चलता है कंपाउंड या मिक्स। मिक्स का मतलब यह है कि दो या दूसरी सारी चीज़ों को जब हम मिलाए तो उसको हम कहते हैं मिक्स। तो इस तरह ये जो ऑपरेशन है इसमें दो ऑपरेशन होंगे, तो वो ऑपरेशन ऑपरेशन इज टू बी कंपाउंड ऑपरेशन इफ वन पार्ट इज होल एंड द अनदर पार्ट इज अ प्रॉपर ऑपरेशन। सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड कंपाउंड ऑपरेशन और मिक्स ऑपरेशन। वो ऑपरेशन जिसमें एक मुकम्मल हिस्सा हो और दूसरा हमारे पास प्रॉपर ऑपरेशन हो, तो इस तरह ऑपरेशन को हम कहते हैं कंपाउंड ऑपरेशन। मिसाल के तौर पर 2/1/2, ये हमारे पास क्या है, होल है, मुकम्मल है, कंप्लीट हिस्सा है, और ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर ऑपरेशन है। ये हमारे पास क्या है, होल है, मुकम्मल। इन मिसाल के तौर पर 2/1/2 के जी का मतलब ये होगा कि 2 किलो पूरा और आधे किलो और, तो इस तरह ऑपरेशन को हम कहते हैं कंपाउंड ऑपरेशन। या 3/4/5, ये भी हमारे पास क्या है, कंपाउंड ऑपरेशन है, कि ये हमारे पास कंपाउंड ऑपरेशन होगा 17/13/12, ये हमारे पास कंपाउंड ऑपरेशन है, ये हमारे पास कंपाउंड ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास होल है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास प्रॉपर ऑपरेशन
नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास कंपाउंड प्रेशन नहीं है। इस तरह 2 14/3 ये हमारे पास कंपाउंड प्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये क्या है, इम्प्रॉपर प्रेशन है। तो कंपाउंड प्रेशन के लिए ज़रूरी है कि एक होल हो और दूसरा हमारे पास क्या हो, प्रॉपर प्रेशन हो। तो इस तरह प्रेशन को फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कंपाउंड प्रेशन। कंपाउंड प्रेशन हमेशा चेंज होगा इम्प्रॉपर प्रेशन में, यानी कंपाउंड प्रेशन हम हमेशा इम्प्रॉपर प्रेशन में चेंज कर सकते हैं, और इम्प्रॉपर प्रेशन हम हमेशा कंपाउंड प्रेशन में चेंज कर सकते हैं। इसका तरीका ऐसा है, जिस तरह ये हमारे पास एक प्रेशन है 3 होल 4/5, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस करो, 3 5 15, 15 के साथ 4 जमा करो, 19 19/5, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर प्रेशन है। इस तरह ये प्रेशन जब हम चेंज करेंगे तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, कंपाउंड प्रेशन। मिसाल के तौर पर 19/5 है तो 5 4 20, 5 3 15, डिवीज़न के बाद माइनस होता है 9 5 4, तो इसको आप ऊपर करेंगे, ऊपर वाले को आप साइड में लें और साइड वाले नीचे ले गए, तो बिल्कुल ये प्रेशन इसे हासिल हुआ। तो इस तरह कंपाउंड प्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं इम्प्रॉपर प्रेशन में, और इम्प्रॉपर प्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं कंपाउंड प्रेशन में। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, कंपाउंड प्रेशन को अगर हम चेंज करें इम्प्रॉपर प्रेशन में, तो फिर इसके सोल्यूशन में हमारे लिए थोड़ा आसानी होती है। इस तरह हमारे पास दो और प्रेशन है, और ये प्रेशन जो है दो टाइप्स के हैं, ये बहुत ज़रूरी है जब दो प्रेशन को हम ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी के लिहाज से दो प्रेशन है हमारे पास, वो एक प्रेशन है लाइक प्रेशन, नाम से पता चलता है लाइक माने है यकसा, एक जैसे प्रेशन। तो टू आर मोर देन टू प्रेशन से टू बी लाइक प्रेशन इफ देयर डिनोमिनेटर आर सेम, दो या दो से ज़्यादा प्रेशन को हम लाइक प्रेशन कहेंगे अगर उनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2/6 एंड 5/6, ये हमारे पास क्या है, लाइक प्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इस तरह प्रेशन को हम क्या कहेंगे, लाइक प्रेशन। या 3/15, 1/15, 37/15, ये हमारे पास क्या है, लाइक प्रेशन है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर मैं इस तरह लिखूँ 5/2, 5/4, ये हमारे पास लाइक प्रेशन है, ये हमारे पास लाइक प्रेशन नहीं है। लाइक प्रेशन के लिए कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर सेम होंगे। अभी अगर दो इस तरह प्रेशन हो के उसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो इस ऐसे प्रेशन को हम कहेंगे अनलाइक प्रेशन। तो अनलाइक प्रेशन हमारे पास क्या है, टू आर मोर देन टू प्रेशन आर से टू बी अनलाइक प्रेशन इफ देयर डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, यानी दो या दो से ज़्यादा प्रेशन को हम अनलाइक प्रेशन कहेंगे अगर उनकी डिनोमिनेटर सेम ना हो। मिसाल के तौर पर 2/3, 5/2, ये हमारे पास क्या है, दो प्रेशन है, लेकिन ये हमारे पास लाइक प्रेशन नहीं है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो इस तरह प्रेशन को हम कहते हैं अनलाइक प्रेशन। लेकिन याद रखे, अनलाइक प्रेशन को हम लाइक प्रेशन बना सकते हैं, और उसको हम किस तरह बनाएंगे कि जो डिनोमिनेटर है इसका हम एलसीएम लेंगे, और इसका एलसीएम आता है 6, तो एलसीएम के वजह से हम इधर भी 6 बनाएंगे, इधर भी 6 बनाएंगे, तो हमारे पास कौन सा प्रेशन बनेगा, लाइक प्रेशन। तो 2/3 है, इसके 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि है 6 आ जाए 2, इधर भी 2 मल्टीप्लाई करूँ, 5/2 है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि 6 आ जाए 3, तो इधर भी आप 3 मल्टीप्लाई करें, तो 2 4, 3 2 6, 5 3 15, 2 3 6, तो ये हमारे पास क्या है, आप लाइक प्रेशन है।
अनलाइक प्रश्न को हम लाइक प्रश्न बना सकते हैं। जब हम दो प्रश्न या दो से ज़्यादा प्रश्न को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं कि इसको हम लाइक प्रश्न बनाएं, फिर हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे या एडिशन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि प्रश्न को हम क्या करें, लाइक प्रश्न बनाएं। और लाइक प्रश्न के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका एलसीएम ले, उसका जो एलसीएम आता है बस डिनोमिनेटर में हर प्रश्न के वो एलसीएम आना चाहिए, क्या होगा, लाइक प्रश्न होगा।